हेलो दोस्तों, टेक इंट्यूट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आगे की क्लास में हम जो है लिंक्स के बाद जो है ये सब फाथ पैंडर हो चुका है, पैटर्न ऑप्शन आज देखेंगे। तो पैटर्न ऑप्शन के लिए सिंपली हमने कुछ भी एक हेक्सागन ड्रॉ कर लिया है या पॉलीगन समझ लीजिए। इसको हमको यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके पैटर्न मेक पे क्लिक कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ चीज़ों की ऑप्शन खुल गई है यहाँ पर और ये हाईलाइट हो गया है। यहाँ पर आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर एक स्टाइल है इसका, जैसे आप देख सकते हैं ये स्टाइल है, अलग अलग तरह की स्टाइल्स है ये सब। ठीक है, ब्रिक में ये ऐसा ब्रिक, ये एडजस्टमेंट है उसकी, यानी ये एक पैटर्न का स्टाइल है। जैसे हमने अगर हेक्सागन रख लिया है तो ऐसा, और ये उसकी गैपिंग है बीच की, देख सकते हैं। तो अभी जब आप देखेंगे तो ये अगर हम कम करते हैं तो ये ओवरलैप हो रहा है। तो ओवरलैप के भी कुछ ऑप्शन है, आप देख सकते हैं इधर कि ये जो है लेफ्ट इन फ्रंट, राइट इन फ्रंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका ऑप्शन ओवरले करने के लिए। और साइज टाइल टू आर्ट कर देते तो एक्चुअल साइज में हो जाता है। ठीक है, जो भी एक्चुअल साइज है। ठीक है, और इसमें आपको गैपिंग देना है तो यहाँ से आप सिंपली बड़ा सा ये लॉक छोड़ देंगे तो ये एक एक तरफ का होगा गैपिंग, और जेंटल वर्टिकल और लॉक लगा देंगे तो दोनों साथ में चलेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने ऐसा किया और ये जो है कितना रिपीट करेगा उसका एक ये है स्टाइल है पैटर्न का, क्या कितना करना चाहिए। और ये जो बाहर का नज़र आ रहा है ये सिर्फ व्यू के लिए है, इससे ओरिजिनल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बाकी आप ये सब करने के बाद यहाँ पर सिंपली डन कर देंगे तो इसको सेव हो जाएगा, और सेव एक कॉपी करेंगे तो ये एक नया यहाँ से एक और जो है वो सेव हो जाएगा, मतलब दो हो जाएगा। तो यहाँ से मैं डन कर देता हूँ। अब देख सकते हैं अब ये बन चुका है। इसमें हम सिंपली क्लिक करेंगे तो फील हो रहा है, फील में अब ये हम बड़ा कर रहे हैं तो देख सकते हैं अब ये जो है अंदर का पैटर्न भी बड़ा हो रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है आपको प्रेफरेंस में मिल जाता है, यहाँ से आप इसको निकाल दीजिए। अब जो आप छोटा बड़ा करेंगे तो ये पैटर्न नहीं छोटा बड़ा होगा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा होगा। इसके अलावा आप जब स्केल टूल लेके जो है आप इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है कि आपको ऑब्जेक्ट स्केल करना है या पैटर्न। तो अगर दोनों को चेक कर देंगे तो दोनों करेगा, नहीं तो सिर्फ आप पैटर्न भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। प्रीव्यू ऑन करके देख लीजिए। ठीक है, तो इससे आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये किसी भी चीज़ में फिल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हो गया आपका पैटर्न, ये वाला पैटर्न ऑप्शन वाला, जिसमें सारी कुछ चीज़ें थी। या फिर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक यहाँ से फिर से एडिट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें हमने कलर चेंज कर लिया तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से डन कर दी तो ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया पैटर्न। और पैटर्न के बाद आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें जो आपको ऊपर दिखती है ट्रांसपेरेंट, उसी का एक नया पैनल बना दिया है। और उसका जो है कुछ चीज़ें जो जैसे कि ग्रिड और आपका कलर्स, ये सब चीज़ों को ओपेसिटी, ये सब को एक जगह कर दिया है। इसी तरह कुछ एक्शंस भी है जो जैसे आपका ऑफसेट पाथ है, ये सारी चीज़ें इसमें डायरेक्टली डाल दिया गया है। एक्सपांड से जो ज़्यादा यूज़ में लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पीछे के क्लास में कवर हो चुकी है, बस खाली इसका ये शॉर्टकट रेडी है। ठीक है, इसमें ये लॉक करके करते हैं तो वही सेम जो है प्रोपोर्शनेट होगा। ठीक है, ये सब आपको सारा फ्लिप वाला जो है ये दूसरे जो है टूल्स में है। और ये उसका एक्स वाई पोजीशन, ये उसका एंगल, सब कुछ है इसमें। ठीक है, और यहाँ से आप इफेक्ट्स भी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा कुछ इसमें प्रॉपर्टीज पैनल में दे दिया गया, अलग से एक प्रॉपर्टीज पैनल बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सेपरेशन प्रीव्यू देख लीजिए। सेपरेशन प्रीव्यू क्या करता है कि आपको जो है यहाँ पे आपने ऑन किया ओवर प्रिंट प्रीव्यू, तो ये आपको ओवर प्रिंट प्रीव्यू, यानी अगर इसमें आप किसी में ओवर प्रिंट रखे हो जो कि दूसरी क्लास में मैंने बताया, तो वो यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं कि वो यूज़ मतलब ओवर प्रिंट कैसा आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये सारा सेपरेशन मिलता है कलर्स के, देख सकते हैं आप कि अगर सिर्फ हमको मैजेंटा ही कलर में प्रिंट करना है तो हमारा आर्टवर्क कितना प्रिंट हो सकता है। ठीक है, तो मैजेंटा में इतना ही प्रिंट हो सकता है। इसके बाद येलो में अगर सिर्फ करना है तो येलो इतना ही प्रिंट होगा, ब्लैक में करना है तो इतना ही प्रिंट होगा, यानी वो कलर यूज़ हुए। यहाँ पे आप सेपरेट सेपरेट करके देख सकते हैं।
और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन है कि ये सिर्फ पेंटोन के बारे में है कि पेंटोन आपको स्पॉट कलर्स दिखाई देंगे, तो जैसे हमने इसको पूरा ऑन कर दिया, लेकिन अब पेंटोन कभी प्रिंट होगा जब पेंटोन ऑन रहेगा तभी, यानी पेंटोन अलग कलर है तो उसको अलग से रखना पड़ेगा, यानी ये कलर में फोर कलर में प्रिंट नहीं होता, ये पेंटोन शेड है इसी में ही प्रिंट होगा, CMYK में प्रिंट नहीं होगा, पेंटोन के लिए अलग होता है। तो इस तरह आप सेपरेशन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये आपको दोनों पैनल समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।